चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताजा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यानी जो पियर्सिंग पैटर्न होता है ना, वो बुलिश पैटर्न होता है। तो बुलिश पियर्सिंग कहाँ मिलेगा? बॉटम पर मिलेगा। तो बॉटम पर एक अच्छी खासी डाउनसाइड के बाद आपको एक कैंडल मिलती है जिसका कलर होता है रेड, ठीक है। तो एक अच्छी खासी डाउनसाइड के बाद हमें एक बेरिश कैंडल मिलती है और इस कैंडल का कलर कैसा होता है? रेड। अब इस रेड कलर की कैंडल ना, ये 50% कैंडल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट कलर की कैंडल है ना, वो होनी चाहिए ग्रीन। और ध्यान रहे इस बात का कि जो ग्रीन कलर की कैंडल है, ये इस रेड कलर की कैंडल का 50% से ज़्यादा एरिया कवर करके क्लोज कर जाए। इसका कलर भी मैटर करता है, ग्रीन होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, क्लोज कर गया, इसके ऊपर पैटर्न बन गया। पैटर्न का नाम क्या है? बुलिश पियर्सिंग। अब थर्ड कैंडल का वेट करना है। थर्ड कैंडल कैसी होनी चाहिए? शाबाश, ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए। और जैसे ही ये ग्रीन कलर की कैंडल इस सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक करेगी, आप यहाँ पर क्या कर लोगे? और इन दोनों में से जिस भी कैंडल का लो बड़ा होगा, उसका आपने स्टॉप लॉस फॉलो करना है, ठीक है। इसको कहते हैं बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है। इसका उल्टा पैटर्न जिसे हम कहते हैं डार्क क्लाउड। अब ये पैटर्न कब बनता है? जब मार्केट में एक अपसाइड होती है और अपसाइड के बाद कौन सी कैंडल मिलती है आपको? ग्रीन कैंडल मिलेगी, शाबाश। अब इस ग्रीन कैंडल का 50% एरिया कवर करके क्लोज होना चाहिए नेक्स्ट रेड कैंडल से। यानी ये रेड कैंडल है और अब ये 50% एरिया को कवर करके क्लोज कर गया, तो ये पैटर्न बन गया डार्क क्लाउड पैटर्न। अब थर्ड कैंडल पे कन्फर्मेशन आएगा, तो थर्ड कैंडल का कलर कौन सा होना चाहिए? रेड होना चाहिए। तो यहाँ पर रेड कलर की कैंडल जैसे इसका लो ब्रेक करेगी, आप यहाँ पर सेल कर दोगे और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, दोनों में से हाई जिसका भी बड़ा होगा उसका स्टॉप लॉस ले लेना। तो पैटर्न का नाम हो गया डार्क क्लाउड पैटर्न, ठीक है। आ रहा सर ना, ये एक रेड कैंडल है, एक्चुअली बोला मैंने रेड था, लिख ग्रीन दिया। अब इंची टेप से थोड़ी मापोगे आप, मतलब आइडिया होता है वो। तो एक 50% और अबव। यहाँ पर देखो जरा, ये पूरी कैंडल एंगल्फ हो गई ना, तो ये कौन सा पैटर्न है? एंगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है। पर अगर ये छोटी कैंडल होती 50%, तो इसे क्या कहते हैं? पियर्सिंग पैटर्न बोलते। अब हमें ढूंढनी है ऐसी कैंडल जो 50% और मोर एरिया को कवर करके क्लोज करे। इसका टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये पैटर्न देखो जरा, ये ग्रीन कैंडल है टॉप पर और इसका 50% एरिया रेड ने कवर करके क्लोज कर दिया है और थर्ड कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया है। तो ये पैटर्न कौन सा हो गया? डार्क क्लाउड, ठीक है। और देखो मार्केट फिर नीचे चली गई है। एंड यहाँ पर देखो, अंडरस्टैंडिंग पर्पज से देखना, ये बॉटम पर रेड कैंडल मिली, देन ग्रीन कैंडल ने 50% एरिया कवर करके क्लोज किया, थर्ड कैंडल ने सेकेंड कैंडल के हाई को ब्रेक किया और मार्केट ऊपर चली गई। तो ये कौन सा पैटर्न है? बुलिश पियर्सिंग, ठीक है, परफेक्ट। हाँ, आइडियल केस के लिए तो 15-20 कैंडल चाहिए। अब देखो यहाँ पे, ये कौन सा पैटर्न है? बॉटम पर है, बुलिश पियर्सिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? आगे चल सकते हैं। ये कौन सा पैटर्न था? पियर्सिंग, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे, और जो नेक्स्ट पैटर्न है, तो इस पैटर्न का नाम है बुलिश मदर बेबी, ठीक है। तो बुलिश मदर बेबी कब बनता है? जब मार्केट में एक डाउनसाइड हो, डाउनसाइड के बाद आपको एक रेड कलर का कैंडल मिले और ये रेड कलर का जो कैंडल है, इसके बाद हमें एक छोटू सा ग्रीन कलर का कैंडल चाहिए। अब ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है ना, ये इसकी बॉडी का 25% के आसपास होना चाहिए, यानी 50% से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 50% है तो पियर्सिंग पैटर्न है और उससे कम है तो मदर बेबी पैटर्न है। अब यहाँ पर थर्ड कैंडल जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा ना सेकेंड कैंडल का, हम यहाँ पर बाय कर लेंगे और दोनों में से जिसका भी लो बड़ा होगा उसका हम SL फॉलो करेंगे। इसे कहते हैं बुलिश मदर बेबी पैटर्न, ठीक है। ये बुलिश मदर बेबी पैटर्न है, नोट कर लो एक बार इसे। अब इसका उल्टा पैटर्न होगा बेरिश मदर बेबी। तो बेरिश मदर बेबी कब बनता है? जब मार्केट में एक अपसाइड होती है और टॉप पर आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल कैसी होनी चाहिए? रेड कलर की,
और ग्रीन कलर का 25% के आसपास होना चाहिए, 50% से कम। तो ये रेड कलर की कैंडल मिल जाएगी, पैटर्न बन गया बेरिश मदर बेबी। अब थर्ड कैंडल बेरिश होनी चाहिए और जैसे ही थर्ड कैंडल लो ब्रेक करेगी हम यहाँ पर सेल कर देंगे। इन दोनों में से जिसका भी हाई बड़ा होगा उसका स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। पैटर्न का नाम है बेरिश मदर बेबी पैटर्न, ठीक है, कर लिया। अब देखो इसे याद रखने का तरीका सिखाता हूँ। तीन पैटर्न आपने पढ़े डबल कैंडल के, अब इन्हें याद रखने का तरीका क्या है देखो। हमने पढ़ा एक एंगल्फिंग पैटर्न, तो एंगल्फिंग पैटर्न में क्या था कि ये रेड कलर की कैंडल थी और इसके बाद जो ग्रीन कलर की कैंडल थी वो पूरी तरह से इसकी बॉडी को एंगल्फ कर रही थी। देखो पूरी तरह से एंगल्फ किया ना, तो ये वाली कैंडल 100% थी, ठीक है, तो ये एंगल्फिंग पैटर्न हो गया। अब सेकेंड पैटर्न था पियर्सिंग पैटर्न। अब पियर्सिंग पैटर्न में क्या था कि ये जो रेड कलर वाली कैंडल थी इसका 50% एरिया ये ग्रीन वाली कैंडल कवर करके क्लोज कर रही थी, ठीक है, यानी ये 50% कैंडल थी। और तीसरी कैंडल है मदर बेबी वाली। अब इसमें क्या था कि ये जो रेड वाली कैंडल है इसका 25%, ठीक है, 25% ग्रीन वाली कैंडल है। तो इस तरह से परसेंटेज में आपको याद रखने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसे याद रख लो या इसे एक बारी स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है, ताकि याद रहेगा। बाकी तो आसानी है, प्रैक्टिस करोगे तो नाम याद रहेंगे, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588-68475 और विजिट www.onlinenifm.com।